इंडिया अपनी 40% एनर्जी नीड्स को इंपोर्ट करता है, जिसकी कॉस्ट हमें हर साल लगभग 90 बिलियन यूएस डॉलर्स पड़ती है। हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स तेजी से बढ़ रही हैं, पर कब तक हम फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंट रहेंगे? और इसीलिए इंडिया ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है और कैसे बनता है? क्या आपको पता है कि ग्रीन हाइड्रोजन से इंडिया को क्या फायदा और नुकसान हो सकता है? और क्या आपको मालूम है कि ग्रीन हाइड्रोजन के सेक्टर में से कौन सी कंपनीज परफॉर्म कर रही हैं? अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। पार्ट वन, ग्रीन हाइड्रोजन एक तरह का ऐसा हाइड्रोजन है जो रिन्यूएबल सोर्सेस एनर्जी से बनता है, जैसे सोलर, विंड, हाइड्रो या बायोमास। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, जिसमें पानी यानी कि H2O को हाइड्रोजन यानी कि H2 और ऑक्सीजन यानी कि O2 में अलग किया जाता है। इस तरह से ग्रीन हाइड्रोजन को एक क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स बनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन वी आर नॉट यूजिंग एनी फॉसिल फ्यूल्स विच विल कॉज इमिशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या कोई और ग्रीन हाउस गैसेस, एंड ये अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे पावर जनरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, हीटिंग एंड कूलिंग एक्सेट्रा। बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स को डीकार्बनाइज करने की पोटेंशियल रखता है और ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ने में भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है। सी, ग्रीन हाइड्रोजन की कॉस्ट है 300 से 400 पर केजी, बट पीडब्ल्यूसी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ग्रीन हाइड्रोजन की कॉस्ट 2030 तक 50% तक गिर सकती है, जिससे ये दूसरे लो कार्बन अल्टरनेटिव्स और कुछ रीजन्स में कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस से भी कंपेटिटिव बन सकता है। अगर ग्लोबल मार्केट की बात की जाए तो ग्रीन हाइड्रोजन मार्केट 2022 में 4.02 बिलियन यूएस डॉलर्स पर वैल्यूड थी, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि ये मार्केट 2032 में 331.98 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंच जाएगी। मतलब ये मार्केट 2032 तक हर साल 54.98% CAGR से ग्रोथ कर सकती है, एंड इतनी अच्छी ग्रोथ के साथ में ये हो सकता है कि 2050 तक ग्रीन हाइड्रोजन वर्ल्ड की 25% एनर्जी नीड्स को पूरा कर पाए। अब हमने ये तो जान लिया कि ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन मार्केट कितनी बड़ी है, अब समझते हैं कि इंडिया इस ग्रोथ में कैसे पार्ट ले रहा है। पार्ट टू, इंडिया का विजन और उसके इनिशिएटिव्स इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम में एक ग्लोबल लीडर बना सकते हैं। इंटरेस्टिंगली, इंडिया वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर है, बट एट द सेम टाइम हम वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर भी हैं। मेनली स्टील, फर्टिलाइजर, रिफाइनिंग और मोबिलिटी सेक्टर्स में एनर्जी की बहुत डिमांड है, जो ग्रीन हाइड्रोजन से पूरी की जा सकती है, और इसीलिए इंडिया ने 2030 तक 450 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को हासिल करने का एक एम्बिशियस टारगेट रखा है, जो ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करेगा। एंड इस विजन को अचीव करने के लिए सबसे बड़ा स्टेप PLI स्कीम को लॉन्च करना है। सी, ये स्कीम मेनली दो क्रिटिकल एरियाज, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग को कवर करती है। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइजर्स वो डिवाइसेस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम के अंदर इस PLI स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट ने अपना टोटल बजट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए 13,050 करोड़ रखा है और इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग के लिए टोटल बजट 4,440 करोड़ रखा है, जिससे इस सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज, NTPC, गेल, अडानी ग्रीन एनर्जी को काफी सपोर्ट मिलेगा, एंड इवेंचुअली इंडिया अपना रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का टारगेट अचीव कर जाएगा। पार्ट थ्री, पर इस ग्रीन हाइड्रोजन से हमें क्या फर्क पड़ेगा?
अगर आप भी आम लोगों की तरह ये सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। देखो, ग्रीन हाइड्रोजन के साथ हर किसी का काफी फायदा होगा। जैसे हम जो अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं उसका बिल कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी का यूज होगा। इंडस्ट्रीज विल ऑल्सो फ्लरिश, इंडस्ट्रीज विल ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम इट क्योंकि उनके प्रोडक्शन प्रोसेस में ये हेल्प करेगा और जीरो ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करेगा। और तो और हमारे फ्यूल एक्सपेंसेस भी कम हो जाएंगे। इसके अलावा अब क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन इंडस्ट्री का एक नया सेक्टर बन रहा है तो ये काफी जॉब्स भी डेवलप करेगा। और अगर हम कंट्री लेवल की बात करें तो हमारे देश की एनर्जी सिक्योरिटी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल्स पर कम डिपेंडेंट हो जाएंगे। पार्ट 4, ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम की डेवलपमेंट में इंडिया के सामने अभी भी कई चैलेंजेस खड़े हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है जो अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। कॉस्ट, ग्रीन हाइड्रोजन की पर केजी कॉस्ट 300 से 400 रुपीस है जो कि रेगुलर फ्यूल से 6 to 8 टाइम्स ज्यादा है और इसी कॉस्ट डिफरेंस की वजह से ग्रीन हाइड्रोजन की डिमांड और यूजेबिलिटी आज रेगुलर फ्यूल से कम है। पॉलिसी, इस नए उभरते हुए सेक्टर को बूस्ट करने के लिए क्लियर और कांस्टेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क की जरूरत है जो प्रोडक्शन और कंजप्शन को इंसेंटिवाइज करे और अगर इंडिया इन चैलेंजेस को ओवरकम कर लेता है तो इंडिया को ग्रीन एनर्जी इकोसिस्टम में लीडर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और तो और, ऑलरेडी इंडिया में कई कंपनीज ग्रीन हाइड्रोजन के सेक्टर में काम कर रही है एंड इस सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप की सब्सिडरी अडानी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड ने हाल ही में कोवा होल्डिंग्स एशिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ 50-50 JV अनाउंस किया है जिसमें दोनों कंपनीज ग्रीन अमोनिया, ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स की सेल्स और मार्केटिंग में इन्वॉल्व होंगी। ऑल्सो अडानी ग्रुप अगले 10 सालों में इनिशियल फेज में 1 मिलियन टन की प्रोडक्शन कैपेसिटी का टारगेट कर रहा है। इसके बाद आ जाती है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये कंपनी फिलहाल ग्रे हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है बट 2025 तक ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग में ट्रांजिशन कर लेगी। नेक्स्ट, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में एंटर कर रही है एंड दे आर टारगेटिंग 2027-28 तक वो अपने टोटल हाइड्रोजन प्रोडक्शन का 5% ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करें एंड दे आर टारगेटिंग टू डेवलप अ कैपेसिटी ऑफ 56 मेगावाट। इसके अलावा ONGC भी MS ग्रीन को 0C प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलके ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स पर $6.2 बिलियन स्पेंड करेगा। नेक्स्ट, भारत पेट्रोलियम लिमिटेड। भारत पेट्रोलियम लिमिटेड भी ऑलरेडी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए जुलाई 2022 में इलेक्ट्रोलाइजर्स इंस्टॉल कर चुकी है और ये 25 मेगावाट की कैपेसिटी टारगेट कर रहे हैं। इन कंपनीज के अलावा टाटा पावर, आसन एंड टूब्रो, JSW स्टील, एमटाटेक, KPIT भी ग्रीन हाइड्रोजन में काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप ग्रीन हाइड्रोजन इंडस्ट्री को अच्छे से समझ पाए होंगे और आपका क्या ख्याल है ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम के बारे में ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।